अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ सासुचियासी। ये अम्ल बड़ा ही प्यारा तावीज़ अम्ल है। मोहब्बत के लिए ये अम्ल करें, महबूब मोहब्बत में दीवाना हो जाएगा। अपने प्यार को अपने पास बुलाने का यह चमत्कारी ताबीज़ बड़ा ही पावरफुल ताबीज़ है। इसके इस्तेमाल करते ही महबूब आपके कदमों में होगा इंशाल्लाह। मोहब्बत के सिलसिलेवार ताबीज़ में ये भी अम्ल जुड़ने जा रहा है इंशाल्लाह। ये अम्ल किसी को भी अपने प्यार में दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है। इस अम्ल की पूरी जानकारी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे किसी ज़रूरतमंद का काम बन जाए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये नक्श एक नूरानी चमत्कारी मोहब्बत का तावीज़ है। अम्ल व किताबत के मसले को जो लोग समझ नहीं पाते और अम्ल करते हैं तो वो लोग कभी किसी भी अम्ल में कामयाबी नहीं पाते। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखा करें, समझ लें, तभी किसी अम्ल में अपने आप को कामयाब पाएंगे इंशाल्लाह। अम्ल जब तक समझ न लें तब तक आपको कोई भी अम्ल नहीं करना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। कभी भी कोई भी अम्ल करने से पहले उसकी पूरी नॉलेज, उसकी पूरी जानकारी आपको ले लेनी है, उसके बाद ही आपको कोई अम्ल करना है। ये चमत्कारी ताबीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल ताबीज़ है। आप पूरी वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद ही ये अम्ल करें, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। ये अम्ल बहुत ही प्यारा अम्ल है। नक्श इस तरह से बनाना है, आपको इस तरह से एक खाका खींच लेना है, इस तरह से आपको एक नक्शा बना लेना है। इस तरह से नक्शा बनाने के बाद आपको यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद मैं आपको बता दूं, इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं है। इस नक्श को आपको ऑरेंज कलर के पेन से लिखना है, जिस तरह का मैंने पेन लिया है इसी तरह का आप कोई पेन ले लें और ये नक्श लिखें। इस नक्श को आप दिन के किसी भी वक्त बना सकते हैं। आपको सबसे पहला खाने, ये जो खाली खाने हैं आपको ये वाले भर लेने हैं। आपको यहाँ पर लिखना है शीन। शीन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है फे। फे लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है लाम और यहाँ पर आपको हे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है रे और यहाँ पर आपको हे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है तो और यहाँ पर आपको अलिफ लिख देना है। इसके बाद आपको ये वाला खाना बनना है, यहाँ पर आपको लिखना है अलिफ ऐन। अलिफ ऐन लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है अलिफ लाम। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है रे और यहां पर आपको हे लिख देना है। इसके बाद आपको यहां पर लिखना है अलिफ और यहां पर आपको लिखना है फे। फे लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है अलिफ और लाम। इस तरह से लिखने के बाद आपको नीचे यहां पर लिखना है महबूब का नाम, या आपको जिससे कोई मतलब हासिल करना है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। अगर वो लड़की है तो यहाँ पर बिनते लिख दें, अगर वो मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पर हुब लिख देना है। हुब लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। अपना नाम अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पर बिनते लिख दें, अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। इतना लिखने के बाद ये आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पर अगर आपको महबूब या जिससे आपको मतलब हासिल करना है उसका नाम ना पता हो तो यहाँ पर, उसकी माँ का नाम ना पता हो तो यहाँ पर हवा लिख सकते हैं। इस तरह से आपका नक्श मुकम्मल हो जाता है। नक्श बनाने के बाद इस नक्श को जमा करके चांदी के कवर में रखकर अपने गले में पहने। जब तक ये ताबीज आपके गले में रहेगी, महबूब आपका गुलाम रहेगा।
ये अम्ल सिर्फ जायज मोहब्बत के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ की दरख्वास्त के साथ।